आज मौन सत्याग्रह पर बैठे हुए हमारे भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जी और उनके साथ जितने भी कांग्रेस के हैं, जिस तरह से कलकत्ता में मौमिता हत्याकांड हुआ, जिस तरह से नारी को जो हर तरह अपमान का सामना करना पड़ रहा है, और हर जगह जहां देखिए न्यूज सुनिए वहीं पर नारी का अपमान हो रहा है। मैं जानूंगा हमारे पुराने और हमारे भूतपूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, इन्होंने वैसे भी बहुत सा काम किया है, और जब तक ये अपने प्रदेश में अध्यक्ष थे तो इन्होंने बहुत आयोग का गठन किया, बहुत ऐसा काम किया है जो कि हुआ नहीं था। इनके कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है, उन्हीं से बात जानेंगे। सर, आज जो मौन व्रत है, जो मौन सत्याग्रह, देखिए मौन व्रत हम लोगों का पिछले 6 घंटे से चल रहा था और अब वो खत्म हो गया है। और आप जानते हैं किस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई, और इस तरह की घटना महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। तो इस घटना से हम लोग आहत हैं, और हम समझते हैं जो महिला सुरक्षा की बात है वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जा रही है, और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, या जागरूकता की कमी है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग इस दुख की घड़ी में मौन व्रत रख करके श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और ये लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, वो निश्चित रूप से एक परिवार की बेटी है, और उस तरह की घटना अगर आपके घर में हो तो कैसा लगेगा। उस नियत से हर जो युवा है उसको महिलाओं को देखना चाहिए, और हमें लगता है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके हम लोग उसके लिए यहाँ बैठे हैं। मौन व्रत रखे थे, जो राजीव गांधी पंचायती राज हमारा विंग है, जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी ने इसका आयोजन किया था। मैं ये कह सकता हूँ कि गांव ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत तभी होगी जब महिला सशक्त होंगी, और महिलाओं के प्रति इस तरह की जब दुष्कर्म की खबरें आती है तो कहीं ना कहीं जो गांव ग्राम की महिलाएं हैं उनमें डर होता है, और उसको खत्म करने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा, और आगे भी इसको जागरूकता के साथ गांव ग्राम में फैलाने का काम करेंगे। जो आज मौन सत्याग्रह जो उसके विषय में बोलिए, जो घटना घट रही है अभी चारों तरफ महिलाओं के साथ। देखिए, ये 6 घंटे से हम लोग मौन, 6 घंटे का मौन सत्याग्रह हम लोग रखे थे, और सत्याग्रह इसलिए इसको हम लोग सत्याग्रह के तौर पे किए, यहाँ सूत काते, चरखा चलाए, सब कोई शांत रहे, क्योंकि हमें एक संवेदना प्रकट करनी थी। हम क्या कर सकते हैं ऐसी घटनाओं पे, एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, तो सबसे पहला काम है कि हम अपनी करुणा प्रकट कर सकते हैं, हम संवेदना प्रकट कर सकते हैं, इस नाते हम लोग ये कर रहे थे। दूसरी ओर महिलाओं पे जो अत्याचार लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर के देश में महिला के अंदर भी उनके क्या मुद्दे हैं, उनको भी अभी समझ इसकी बनाने की ज़रूरत है, और उस पर हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे हो रहा है, 13 लाख महिलाएं, आप गूगल करके देखिए, 2019 से लेकर के 2021 तक में गायब हो चुकी हैं, मिसिंग हैं 13 लाख। अब 13 लाख महिलाएं जो गायब है देश के अंदर, उसके बारे में किसी को संवेदना तक नहीं है, वो महिला राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए मुद्दा तक नहीं है, किसी राजनीतिक दल के अंदर उसके लिए सोच तक नहीं है, ये तो नेशनल इशू होना चाहिए। आप सोच करके देखिएगा, 13 लाख महिला हमारे देश में गायब, और इसी तरह के मुद्दों को लेकर के हमारे अंदर संवेदना है, तो हमने ये सत्याग्रह किया और इसी नाते हम लोग इसको कर रहे हैं। धन्यवाद। झारखंड में भी बहुत ऐसा आ रहा है, जैसे पिछले दिनों गिरिडीह में या हजारीबाग में सब घटना महिलाओं के साथ, उसके लिए क्या? देखिए, ये अमानवीय कृत्य है, और मानवीयता वापस आए
ये इसके लिए हमारा प्रयास है। और हो सकता है कि ये बिल्कुल चींटी भर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे पता है वो चींटी का रेला अगर बन गया तो हम लोग को कुछ जरूर बड़ा कर पाएंगे, और जो बड़ा होगा वो प्रकृति खुद ब खुद देखने का अवसर देगी। इस उसी दिशा पे हम लोग चल रहे हैं।